यही साथियों आपका स्वागत है बिरुद्दीन आर्मी फिजिकल अकेडमी में। साथियों एक भाई का कमेंट आया था कि सर जो है कि हम इंटर पास हो चुके हैं तो एनसीसी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ सर रिप्लाई में ज़रूर बताना। तो साथियों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। साथियों आप लोग पहले जानते हैं कि एनसीसी करने से आपका पूरा रिटेन माफ़ होता है। अगर साथियों आप एनसीसी बी कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर का छूट मिलता है। तो साथियों अगर आप इंटर पास हो चुके हैं तो आप एनसीसी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो साथियों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। साथियों जैसे कि अगर आप इंटर पास हैं तो भी एनसीसी कर सकते हैं, लेकिन साथियों अगर आप इंटर से एनसीसी करते हैं तो इसमें जो है कि आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। अब इसमें बेनिफिट आपको क्या है, तो साथियों जैसे कि आप एनसीसी हाई स्कूल पास होकर करते हैं तो आपका 15 या 16 साल आपका उम्र रहता है। तो आप जो है कि 3 साल करेंगे तो आपको जीडी का भी भर्ती देखने का मौका मिल जाता है, कोई को 2-3 मौका मिलता है। और अगर आप साथियों अब मान लीजिए आप बीए से एनसीसी कर रहे हैं, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तो आप थर्ड ईयर में सी पास होंगे। तो जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो मान लो आपका 17.5 साल तो उम्र हो ही जाएगा। तो आप जो है कि 3 साल करेंगे तो आपका 20.5 साल 21 साल ऐसे हो जाता है। तो साथियों आपको सिर्फ ट्रेडमैन का ही भर्ती मिलेगा, लेकिन साथियों अगर आप हाई स्कूल पास होकर करते हैं तो आप जो है कि बीए फर्स्ट ईयर में सी कर लेंगे। पहले क्या था कि पहले जो है कि बी और सी था तो सिर्फ 2 साल का एनसीसी था, लेकिन साथियों अब जो है कि 3 साल का एनसीसी हो गया है। तो 3 साल में कम से कम आपका 2 भर्ती मिल जाता था, लेकिन साथियों आपकी जो है कि 2 भर्ती समाप्त हो जा रही है। तो आप जब इंटर से करेंगे तो आपको जो है कि जीडी का भी मौका मिलता है, लेकिन साथियों जब आप बीए से करेंगे तो आपको सिर्फ ट्रेडमैन का ही मौका मिलता है। तो आप एनसीसी कर सकते हैं इंटर पास होकर भी, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर 3 साल में जो है कि आप सी पास हो जाएंगे और जो है कि आपको ट्रेडमैन का मौका मिलेगा। और जो है कि पूरा सिस्टम वही रहता है। साथियों एनसीसी करने से पहले तो आपको बहुत फ़ायदा है। इसमें क्या है कि पहले तो आपका फुल रिटेन माफ है, इसके बाद साथियों इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है, जो परेड होते हैं साथियों, ये सब आपको पहले से ही कराया जाता है। और जो कैंप लगते हैं इंडियन आर्मी के थ्रू, वो जो है कि सेना भर्ती रैली में जो ट्रेनिंग चलता है उसी के अनुसार आपको वहाँ जो है कि परेड और ट्रेनिंग कराया जाता है। तो कैंप से भी आपको बहुत सारे फायदे हैं।